देश की राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों पर अचानक ही शराब की मांग बढ़ गई है। कुछ इलाकों में सिर्फ चुनिंदा ब्रांड की ही शराब मिल रही है। ऐसे में कई इलाकों में शराब महंगी दरों पर दिए जाने की शिकायत मिल रही है। इसकी वजह 17 नवंबर से लागू होने वाली नई आबकारी नीति को माना जा रहा है। खबरों की माने तो पुराने ठेकेदार स्टॉक खत्म करने में लगे हुए हैं, नए स्टॉक की मांग भी बंद कर दी गई है। ऐसे में विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी अधिक दर पर शराब बेचे जाने को लेकर कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो कार्रवाई की जाएगी। अनुमान है कि आने वाले दिनों में स्टॉक की दिक्कत तेजी से बढ़ेगी। पुरानी नीति की माने तो संचालित शराब की दुकानों पर सिर्फ 16 नवंबर तक शराब की बिक्री होगी। अगले हफ्ते से दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री होगी, जिसमें शराब की कीमतें 8 से 9% तक बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर आबकारी विभाग की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका है। नई आबकारी नीति लागू होने से पहले दुकानों की तरफ से ऑर्डर देना बंद कर दिया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी का कहना है कि दिल्ली सरकार के आदेश पर आबकारी विभाग ने 3 नवंबर को ही ऑनलाइन विंडो बंद कर दी थी। इसके बाद शराब दुकान पर नए स्टॉक के लिए मांग भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।